घबराहट, बेचैनी, ओवरथिंकिंग, चिंता, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कोई भी नया काम करना है, नई जगह जाना है, नए लोगों से बातचीत करना है, या जो पहले काम मैंने नहीं किया था वो काम करना है, या कहीं भाषण देने जाना है, लोगों के सामने एकदम जाके खड़े रहना है स्टेज के ऊपर, तो नॉर्मली लोगों को चिंता होती है, टेंशन आता है, नॉर्मल है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ही छोटी बात के ऊपर, बहुत छोटी बात के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन आता है। मतलब बच्चे ने समझो आज आधी रोटी कम खाई तो उनको टेंशन आता है कि क्या हो गया, कुछ हुआ क्या, बीमार है क्या, ऐसा इस तरह का। या कोई लेट आ गया, 5 मिनट भी लेट हो गए तो एकदम टेंशन, घर में पति क्यों नहीं आया, क्या हो गया, या बच्चा लेट आया तो क्या हो गया, या कहीं गिर गया तो इतना वो बवाल कर देंगी, अगर बाप रे कुछ हुआ नहीं, बच्चा रो रहा है, मगर ये इतनी घबरा जाएंगी औरत कि भाई बस अभी तो मुश्किल है, ऐसा लगता है कि ये खुद ही मर जाएगी, इतनी घबराहट। ये लोग बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, उनका थिंकिंग एक बार चालू हो जाता है तो एक के पीछे बहुत ज्यादा उनके थॉट्स आते रहते हैं, और ये थॉट्स फिर रुकते ही नहीं है, कंटिन्यूसली ऑनगोइंगली थॉट्स चालू रहते हैं। और जब थॉट्स चालू रहते हैं, इनके थॉट्स कहाँ जाएंगे, फिर थॉट्स सब नकारात्मक सोच के ऊपर जाएंगे, जो चलता नहीं है, जो चिंता वाला कार्यक्रम है उसके ऊपर ही थॉट्स जाएंगे, और वही चिंता करते ये लोग बैठेंगे। फिर इतनी सारी चिंता है तो सिर में धड़कन, पैर कांपना, सीने में धड़कन, पसीना आना, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, ऐसा इनको बार बार होते रहता है। इनको इरिटेबल बाउल भी होता है, पेट का विकार, या उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है, बिकॉज टेंशन है, एंग्जाइटी है, हार्ट अटैक आता है, या उनको चमड़ी में खुजली आती है ना, इचिंग होते रहता है, और उसमें कभी एक्जिमा, सोरियासिस, ये भी होते रहते हैं। ये लोग फिजिशियन के पास में जाते हैं, तो फिजिशियन के पास जाने के बाद में अर्थात उनको ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनका ECG निकालते हैं, और सब टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी फिजिशियन फिर उनको बोलता है ठीक है, कमजोरी है, या उनको बोलता है कि विटामिन की कमी है, ताकत की कमी है, और फिर ऐसा कुछ तो भी बोल के उनको प्रिस्क्रिप्शन देके रवाना कर देते हैं। तो इनको प्रॉब्लम तो चालू रहता है, अब क्या करें। ये प्रॉब्लम की वजह से उनको सोसाइटी में जाना आना उसमें तकलीफ, लोगों में जाना, मिलना जुलना, कुछ कार्यक्रम में हिस्सा लेना उसमें तकलीफ है, काम पे जाने में तकलीफ, क्योंकि काम पे जाते हैं ये, तो उनको छोटी बात, किसका फोन भी आया तो भी घबरा जाएंगे, किसका फोन है, ऐसा उनको लगता है किसका फोन है, समझो बैंक ने चेक बाउंस कर दिया तो वहां से यार बाउंस चेक हुआ था, क्या हो गया, मतलब ऐसा एकदम डर लगेगा छोटी बात के ऊपर। कोई पुलिस वाला दिख गया, कोई आ गया तो अरे क्या हो गया, कोई नोटिस आ गई तो लिफाफा, खाकी रंग का लिफाफा आया, मतलब वो गवर्नमेंट का लिफाफा है, तो खाकी रंग का लिफाफा भी हाथ में आया तो बोलेंगे क्या होगा, खाकी रंग का लिफाफा है, या किसकी नोटिस आ गई तो क्यों नोटिस आ गई। बार बार इनको ऐसा डर लगता है कि बस अभी कुछ तो भी हो रहा है, आसमान गिर टूटा है, ऐसा उनको लगता है। ये लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, इनको ड्राइविंग में दिक्कत होती है, ड्राइविंग करने के समय कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे वो, और एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या इनका पैर लचक जाएगा, पैर मुड़ जाएगा, फिर उसमें उनको तकलीफ रहेगी, पेट का प्रॉब्लम आएगा तो एकदम ज्यादा डायरिया हो जाएगा बहुत ज्यादा, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या उनको चक्कर आएंगी बहुत टेंशन की वजह से, या भूख नहीं लगेंगी, मतलब उनको बॉडीली सिम्टम भी काफी दिखते रहते हैं। ये लोगों को दिमाग में सुनपना होता है, भुलक्कड़पना होता है, पढ़ाई में ख्याल नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, ये स्पीडली काम नहीं कर सकते, फिर लोगों को इनके पीछे लगना पड़ता है, करो 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 करो, जल्दी मतलब आउटपुट जल्दी निकालेंगे नहीं, इतनी गलतियां करेंगे लोग, फिर गलतियां बार बार सुधारना पड़ता है, इनको प्रमोशन मिलेगा नहीं जल्दी, ये जल्दी ऑफिस में पहुंचेंगे नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी। प्रमोशन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिस में जाएंगे तो कुछ गलतियां करेंगे, फिर बॉस डांटेगा, फिर और घबरा जाएंगे लोग, और घबरा के फिर और काम नहीं करेंगे। फिर लोग घबरा जाते हैं तो लोग इनको उनके ग्रुप में लेते नहीं है, उनको अलग कर डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेंशन वाले हैं करके। घर में भी उनको बताएंगे नहीं, नहीं बहुत टेंशन लेते हैं, उनको चक्कर आती है भाई, या उनको फिट आ जाती है तो बताओ मत उनको, तो घर के लोग भी बड़े बड़े कोई डिसीजन होंगे, या छोटे भी होंगे तो भी उनको बताएंगे नहीं, फिर घर के लोग उनको बताएंगे नहीं तो फिर उनको लगता है कि देखो मेरे को अलग कर दिया, फिर उनको बाहर से मालूम पड़ता है, क्योंकि ये तो उसमें रहते कि क्या हो रहा क्या हो रहा,
जब मालूम पड़ता है फिर और टेंशन में आते कि मुझे लोगों ने घर के बताया क्यों नहीं, इसलिए फिर वो और टेंशन में आते हैं और फिर आपसी संबंध इनके खराब हो जाते हैं। कभी गाड़ी फास्ट चलाएंगे और उसमें फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। ये लोग है ना, फिर कोई इनको बोलता है कि भाई नहीं ऐसा करो, आप शराब ले लो तो उससे आपको अच्छा लगेगा, या सिगरेट ले लो या कॉफ़ी ले लो, तो फिर ये लोग इसके आदि हो जाते हैं, ज़्यादातर शराब या सिगरेट के। टेंशन आए कि सिगरेट, टेंशन आए कि सिगरेट, टेंशन आए कि शराब, फिर उसके आदि हो जाते हैं, उसका उनको एडिक्शन हो जाता है। ये प्रॉब्लम विद्यार्थियों में है तो फिर विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा है, वो एक जगह बैठता नहीं है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उसको याद नहीं रहता। फिर पेरेंट्स लेके आते हमारे पास में कि देखो इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा। बाकी तो ठीक है सब, इंटेलिजेंस अच्छा है, होशियार है, मगर इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उसको याद नहीं रहता, इसलिए पेरेंट्स हमारे पास में बच्चों को लेके आते हैं। अब ये कि ट्रीटमेंट क्या है, मतलब इसका क्या इलाज क्या है इसका, तो एक तो क्या है कि इनको रिलैक्सेशन थेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस, और सभी सिचुएशन में, जो जो सिचुएशन में हड़बड़ा जाते हैं, टेंशन आता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, तो सिचुएशन को कल्पना करो रिलैक्स करो, कल्पना करो रिलैक्स करो। फिर उनको हम एंग्जियोलाइटिस भी दे सकते हैं, एंग्जाइटी कम करने की दवाई भी दे सकते हैं, दिल की धड़कन कम करना, रिलैक्स लगना, उसके लिए प्रोप्रानोलॉल है, अल्प्रेजोलाम है, वो हम दवाई देते हैं, क्लोनेजीपाम है वो दवाई देते हैं। ज़्यादातर इनको रिलैक्सेशन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी, इससे बहुत फ़ायदा होता है। सेरोटोनिन नाम के जो केमिकल्स है वो ये लोगों में कम होते हैं, ऐसा एक ऐसे मतलब काफ़ी स्टडीज़ है कि वो सेरोटोनिन लेवल कम हो जाते हैं, तो लोग सेरोटोनिन देते हैं बाहर से मेडिसिन के रूप में, तो इनको अच्छा लगता है सेरोटोनिन से, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल्स फिर बढ़ जाती है। या फिर एंटी डिप्रेशन, यदि डिप्रेशन एसोसिएटेड है फिर एंटी डिप्रेशन देते हैं। ये लोगों को हम क्लोनेजीपाम की गोली जबान के नीचे रखने को देते हैं, क्योंकि कभी कभी एकदम ऐसा अटैक आ गया तो जबान के नीचे रखो तो वो अटैक अबॉर्ट हो जाएगा, अटैक से उनको छुटकारा मिलेगा, एकदम ज़्यादा कुछ घबराहट होती है तो हम वो भी देते रहते हैं। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा विचार, सोच, इसमें क्या होता है, इनकी इम्यूनिटी जो है, प्रतिकार शक्ति वो कम हो जाती है, फिर उसकी वजह से थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट का दौरा, ऐसे काफ़ी सारी बीमारियाँ लोगों को होती रहती है। ये लोगों को कभी कभी कुछ लोगों को ना ऐसा रहता है कि एखादी जगह का स्पेसिफिक फोबिया रहता है, या फिर कभी कुछ लोगों को पैनिक अटैक आते हैं, तो उसका भी इलाज वो हिसाब से करना पड़ेगा। बेसिकली इनको रिलैक्सेशन थेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, और बहुत ज़्यादा होता है तो दवाइयाँ अल्प्रेजोलाम, क्लोनेजीपाम, एंटी डिप्रेसेंट्स, मतलब SSRIs वो देते हैं। अच्छा, दवाई कितने दिन लेनी पड़ेगी, इसका जवाब मेरे पास में भी नहीं है। हो सकता है कि 4-6 महीने दवाई लेनी पड़ेगी, और दवाई लेते लेते यदि आप अपने आप को पावरफुल करते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंस मतलब करते हो ऐसा कि नहीं भाई, बाकी साइकोथेरेपी हिप्नोथेरेपी लेके अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, तो दवाई धीरे 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 कम हो जाएंगी। अन्यथा फिर दवाई हरदम के लिए लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोग बोलते हैं फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हमको दवाई तो चलता है, फिर दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। यदि आप खुद होकर अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हो, और वो बना सकते हैं, फिर दवाई कम कम होते जाएंगे और दवाई बंद हो जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।